वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीमर्स टेक। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए लोकी क्राफ्ट पार्ट टू में। इसमें डेकोरेशन दिखाएंगे और मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी की है, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो चलो नीचे जाते हैं। पहले मैंने लाइट के लिए हर जगह लाइट रूम लगा है। ये बेडरूम है हमारा और यहाँ पर रेडस्टोन लैंप है जो लीवर से जलता है। क्लॉक भी है एक। यहाँ पे सारे क्राफ्टिंग टेबल, चेस्ट और वो फर्नेस रखा हुआ है। ये हमारी बालकनी जहाँ से व्यू अच्छा है। अब हम जाएंगे नीचे। ये हमारा हॉल। यहाँ पे मैंने सोफ़ा जैसा ट्राई किया है बनाना और यहाँ पे भी बहुत सारे लाइट स्टोन लगे। मैंने एक एक्वेरियम भी बनाया है। ये हमारा सीक्रेट रास्ता है, मैंने बताया था आपको पार्ट वन में। तो इसको मैंने पत्तियों से ढक रखा है ताकि ये दिखे नहीं। सामने हमारा फार्म है और वो जो पानी का भरा हुआ दिख रहा है वो हमारा एक्वेरियम है जिसके अंदर स्क्विड और फिशेस है। तो ये मैं क्रिएटिव मोड में खेल रहा हूँ तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ इसमें। अब हम इसको वापस ढक देते हैं ताकि किसी को दिखे नहीं। वैसे इस मोड में हमें कोई मार तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर सेफ्टी। अब ये है हमारा एक्वेरियम, उसका दूर से व्यू दिखाता हूँ। इसमें भी पानी के अंदर भी लाइट जलनी चाहिए, इसलिए इसमें भी मैंने लाइट स्टोन लगाया। तो इसके अंदर स्क्विड और वो कोई तो फिश है का नाम नहीं याद आ रहा, तो ऐसा दिखता है दूर से हमारा। ये हमारा फार्म है तो इसमें काऊ, चिकन, शीप, रैबिट और भी बहुत सारे जानवर हैं। मशरूम भी है। मशरूम मतलब वो काऊ के ऊपर ही होता है मशरूमों का वो। तो इसके एंजी से हम शीप के बाल निकाल सकते हैं या फिर जो मशरूम वाली काव है उसके मशरूम निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैंने वो रेडस्टोन लैंप का ये भी बनाया, पोल, लाइट पोल जैसे होता है वैसे। ये हमारा पहाड़ है टीएनटी, तो उस पूरे पहाड़ के अंदर टीएनटी भरा हुआ है। जैसे हम उसको फोड़ेंगे तो पूरा पहाड़ हिल जाएगा। ये मैंने सारे पेड़ के ऊपर रेडस्टोन टॉर्च लगाया है। तो रात में बहुत सुंदर दिखता है ये। तो आप भी ऐसे अपने घर को जो लोकी क्राफ्ट है उसमें डेकोरेट कर सकते हैं और लाइट के लिए लाइट स्टोन या रेड स्टोन टॉर्च का यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।